ये 12-13 लेजर प्रिंटर जो आपका आता है मल्टी फंक्शन, ये उसका ADF है। इस ADF में मोस्ट ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि इसका जो ADF है पेपर पिकअप नहीं कर पाता और उसमें पेपर जाम हो जाता है। उसके लिए हम इसके अंदर इसका ADF रोलर किट बदलेंगे, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ADF रोलर किट है। इस ADF किट के अंदर ये एक पिकअप रोलर है और साथ में इसके ADF सेपरेशन पैड है जो हम बदलेंगे, जिसकी वजह से मेन ADF की दिक्कत आती है। इसको बदलने के बाद आपकी ADF की जो प्रॉब्लम है वो 90% खत्म हो जाती है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम इसका यह कवर खोलेंगे। कवर खोलने के बाद इसका साइड में यहाँ पे इस तरफ साइड में एक लॉक दिया हुआ है, जिसको प्रेस करके हम इसको रिलीज करेंगे। अभी पूरा रिलीज हो गया है। ये आपके सामने सेपरेशन पैड है और ये इसका पेपर पिकअप रोलर है। सबसे पहले हम इसका सेपरेशन पैड बदलेंगे। मोस्टली लोग इसको निकालते टाइम इसके दोनों साइड के जो लॉक है उनको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका आसान तरीका है कि आप इसको हल्का सा प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर करेंगे और छोड़ देंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉक सिस्टम होता है, इसकी बैक साइड में स्प्रिंग लगा हो टेंशन के लिए। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सेपरेशन पैड हमने निकाला है ये ऑलमोस्ट पूरा घिस चुका है यहाँ से, जिसकी वजह से पेपर पिकअप में प्रॉब्लम आती है। अब हम इसमें ये नया सेपरेशन पैड विद पिकअप रोल लगाएंगे। इसकी बैक साइड में स्प्रिंग दे रखा है, इसकी स्प्रिंग को इसके साथ अटैच करेंगे। और सबसे पहले आप देख रहे हैं हम इसको यहाँ पे इस तरह लगा के इसको बैक साइड में यहाँ से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये पूरा का पूरा ADF सेक्शन पूरा यहाँ बैठे। अब इसके बाद इसके पिकअप रोल बदलेंगे। इसके पिकअप रोल को बदलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से इस शाफ्ट को प्रेस करेंगे, निकालेंगे और इस शाफ्ट में स्प्रिंग लगा हुआ है इसको रिमूव करेंगे। ये शाफ्ट निकाल ली हमने। उसके बाद ये जो पिकअप रोलर है इसको हम यहाँ से प्रेस करके बाहर की तरफ निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पिकअप रोलर सब रॉड बाहर आ गई है। अब इसकी पिकअप रोलर की जगह हम दूसरा पिकअप रोलर लगा देंगे। इसको हल्का से हम प्रेस करेंगे, बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। इसको फिक्स करने में हाथ से घुमा के देखेंगे अटक तो नहीं रहा। उसके बाद हम इसका जो स्प्रिंग है उसको वापस से इसकी टेंशन में लगा देंगे। स्प्रिंग लगने के बाद इसे फिर से हाथ से घुमा के देखेंगे कि स्मूथली हो रहा है। उसके बाद हम इसकी शाफ्ट को फिर से यहाँ पे लगाने के बाद हल्का सा नीचे प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करेंगे। जैसे देखा ये पूरा फिट हो गया है। इस तरह से इसका पूरा ADF का रोलर किट चेंज कर देंगे। इस तरीके से कंप्लीट ADF किट लग चुकी है और अब हम इसको वापस प्रेस कर देंगे। ये ADF पिकअप रोलर विद सेपरेशन पैड की जो किट अभी हमने आपके सामने रिप्लेस करी है, ये हमारी वेबसाइट partsbaba.com पे आसानी से अवेलेबल है और वहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किन किन मॉडल्स में सिमिलर लग जाएगी, किन किन और मॉडल्स में लग सकती है ये, तो आप इसे अपनी हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं।